कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? मेरा तो खैर कुकिंग में बहुत ज्यादा ही टाइम बीत रहा है। और अगर आपको याद होगा कि मैंने एक वाटरमेलन कटिंग वाला एक वीडियो किया था, जिसमें मैंने आपको पूछा था कि अगर आपके पास ये वाटरमेलन राइंड को लेके कोई रेसिपी हो तो प्लीज शेयर कीजिए। एंड थैंकफुली अ लॉट ऑफ यू एक्चुअली रिप्लाइड विद सम अमेजिंग रेसिपीज, और आप में से ही एक रेसिपी मैंने ली है, थोड़े से उसमें चेंजेस किए हैं। एंड हियर यू गो, टुडे वी आर गोइंग टू मेक वाटरमेलन डोसा। आज नहीं बनाएंगे, आज बनाएंगे इसका बैटर, फिर इसे ग्राइंड करेंगे, फिर इसे फर्मेंट करने रखेंगे और कल बनाएंगे ब्रेकफास्ट में। सो एक्चुअली क्या है कि एवरी डे इज अ न्यू टास्क, एवरी डे इज अ न्यू डे, और ऐसे दिन पे क्या करें, रोज ब्रेकफास्ट लंच डिनर में कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो फिर सोचा कि आज वाटरमेलन डोसा की तैयारी करी जाए। तो ये है वाटरमेलन ग्राइंड, इसको इस तरह से फाइनली हमें चॉप कर लेना है। मैं आपको एग्जैक्टली रेसिपी बताती हूँ, देखिए मैं बस उसे रफली चॉप कर रही हूँ। ये मेरे पास है 1/2 किलो चावल, ये शॉर्ट ग्रेन राइस जो हम यूज करते हैं, रेगुलर शॉर्ट ग्रेन राइस। ये है 1 कप पोहा, और ये है करीब 65 ग्राम, मतलब 1/2 कप से थोड़ा सा कम उड़द दाल। और हमें चाहिए मेथी दाना करीब ऐसे 2 पिंच, थोड़ा सा और डाल देते हैं। पर अभी क्या है, ये सब तो तैयारी कर ली है, इसको धोना पड़ेगा अच्छी तरह से, एकदम नाइसली अंडर रनिंग वाटर। देखिए ना, चावल अच्छी तरह से धो लीजिए। ओके, सो अब कुछ नहीं करना है, अब ये जो है मेजरमेंट 1, 2 एंड 3, पोहा तो फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, ये उड़द दाल जो है ना इसे भी हमें धो देना है। सो एक्चुअली स्पीकिंग, अगर देखा जाए ना, तो हम जब डोसे बनाते हैं घर पे, तो हम क्या करते हैं, चावल को भिगाते हैं, उड़द दाल को भिगाते हैं, उसको पीसते हैं। यहाँ पे एक काम हमको करना है, पर अलग करना है। जैसे ये जो वाटरमेलन के जो पीसेस है ना, इसे हम मेजर कर लेते हैं, करीब 2 कप चाहिए हमें। वाटरमेलन के पीसेस नहीं, वाटरमेलन का राइंड, मतलब सिर्फ हमने वो व्हाइट पार्ट ही लिया है, ये ऐसे इसको निकाल दिया और सिर्फ व्हाइट लिया है। तो ये 1 कप ये मैंने चावल में ही डाल दिया है। तो मैंने ले लिया नमक, और करना क्या है कि चावल के अंदर हमने डाल दिया ये वाटरमेलन, इसे मिक्स कर लिया, और इसमें मिला देंगे ये उड़द दाल जो हमने धोई है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो सोचो, अगर चावल को पानी में भिगा के रखे और सब कुछ भिगा के रखे, और उसको जब हम पीसेंगे ना, तब बैटर बहुत पतला हो जाता है। द रीजन भी कि बैटर को अगर हमें थिक रखना होगा तो ये सारे चीजों को मिक्स करके बस छोड़ देना है। वाटरमेलन के राइंड में जो मॉइस्चर होगा, उससे ये जो चावल है वो अच्छी तरह से भीग जाएगा। तो अब हमें इसे इस तरह से मिक्स करके छोड़ना है करीब 3-4 घंटे। तो मतलब जैसे समझो अभी बजे है 7:30, 3 घंटे, 10:30 बजे मुझे इसे पीसना पड़ेगा। तो 3 घंटे में मैं देखती हूँ कितना अच्छा ये पीसेगा, पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा शायद इसमें पानी डालना पड़े, बट इतना भी पानी ना डाले कि वो बहुत ही ज्यादा लिक्विड हो जाए। जस्ट थोड़ा सा अंदाजा लगाने के लिए आई शो यू हाउ मच आई थिंक आई शुड पुट। आई थिंक दिस मस्ट बी अराउंड 1/4 कप आई थिंक वाटर मैंने डाला है इसमें। तो अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। सब हो गया, ढक्कन लगा दिया। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, चेक करूंगी अगर ये चावल अच्छी तरह से सोक हो गया हो तो उसे पीस दूंगी, पीसने के बाद इसे फर्मेंट करूंगी, और अच्छा फर्मेंटेड बैटर अगर बना तो फिर कल आपके साथ बनाएंगे डोसास विद वाटरमेलन राइंड, आपकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, तो बस अब सोने की तैयारी हो रही है, पर उसके पहले मैंने सोचा
जैसे आपको बताया था करीब 3 घंटे से ये जो मिक्स था उड़द दाल चावल और कलिंगड़ एंड वाटरमेलन के राइन का, ये बस ऐसे ही सूखा सूखा सा भीगा है। मैं आपको अगर दिखाऊँ इसका जो टेक्सचर है ना, फॉर एग्जांपल द चावल का दाना, ये देखिए चावल का दाना अगर मैं ऐसे हाथ से तोड़ूँ ना तो भी टूट जाना चाहिए आराम से। देखिए सेम थिंग विथ उड़द दाल ऑल्सो। सो ये बेसिकली अच्छी तरह से सोख हो गया है, शायद पीसने के समय हमें थोड़ा पानी डालना पड़े, सो दैट इज़ ओके। पर अगर आपको याद होगा तो बिगनिंग में मैंने आपको पोहे के बारे में बताया था, isn't it? So I think we had taken about 1 cup of poha. तो वो पोहा जो है ना इसे हमने इस तरह से थोड़ा भिगा लिया है। सो दिस इज द पोहा। भिगाना मतलब पोहा को बस रनिंग वाटर के नीचे आप धो लो, बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। सो अब हमें सब ग्राइंड करना है, तो ग्राइंड करने से पहले ये भी इसी में मिला लेते हैं और अब से थोड़ा थोड़ा करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। एनीवे सब कुछ अच्छी तरह से भीग चुका है, तो लेट्स ग्राइंड इट। वैसे तो मैंने ग्राइंडिंग शुरू करी विदाउट एडिंग एनी वाटर, पानी डाल के इसे पीसते हैं। ये देखिए स्मूथ तो है, नाइस एंड स्मूथ बैटर। अब चलिए बचा हुआ बैटर भी मैं पीस लेती हूँ। सो ये बन गया है मेरा बैटर रेडी। सो बैटर रेडी हो गया है, नाइस एंड थिक। और अब एक्चुअली क्या है ना कि बस रख देंगे इसे, ऐसे ही रख देंगे, फर्मेंट होगा। कल सुबह उठ के देखूंगी, अगर अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है तो ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी, अगर ऐसा लगा कि शायद थोड़ा और फर्मेंट होना चाहिए तो लंच में बना दूंगी। सो अभी कुछ नहीं करूंगी, बस इसे ढक्कन रख के बस छोड़ दूंगी। वैसे मुंबई में फिलहाल के लिए तो वेदर इज क्वाइट वार्म, तो बस इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रख दूंगी मैं। आई एम श्योर कल सुबह तक ये बैटर ऐसा फूक जाएगा, पर मुझे लग रहा है कि ये बर्तन शायद थोड़ा छोटा है, तो आई माइट जस्ट ट्रांसफर इट इनटू अ बिगर वेसल और कल सुबह उठ के देखेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए बहुत काम हो चुका है। मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और घर के सब मेंबर्स एक्चुअली इस डोसा के लिए वेट कर रहे हैं, एंड तवा रेडी है। बैटर आपको दिखाती हूँ, आप देखिए बैटर को देख के ना एक प्योर हैप्पीनेस मिल रहा है मेरे को। और ये बैकग्राउंड में ठक 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 आवाज जो आ रही है ना, ये यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ये देखिए बैटर, वाओ क्या मस्त स्पॉन्जी हो गया है ना। सो ये देखिए बैटर, वाओ सो नाइस। पानी भी डालने की जरूरत नहीं है इसमें ना। अब मैं डाल दूंगी नमक, मैं घर पे आई यूज हिमालयन पिंक सॉल्ट, इसके लिए नमक अलग लग रहा है आपको, आप जो भी नमक यूज करते हो आप यूज कीजिए। और नमक डाल के बस इसे मिक्स कर लेंगे। और बैटर को ना इस टाइम पे आफ्टर यू हैव मिक्स द सॉल्ट एक बार टेस्ट करके देखना जरूरी है। बैटर में वो वाटरमेलन का टेस्ट भी आ रहा है, पर इतना डिस्टिंक्ट नहीं है कि मतलब खा के बोल पाएगा कि इसके अंदर वाटरमेलन है। मुझे पता है बिकॉज मैंने डाला है। मैं क्या करने वाली हूँ, आज एक डोसा मेरी फ्रेंड को भी दूंगी और उसको बोलूंगी कि भाई बता इसमें अलग क्या है। आई लेट सी, अगर उसने पहचान लिया तो ठीक है, नहीं पहचान लिया तो डोसा समझ के खा लेगी। और याद है मैंने आपको कहा था कि चटनी तो है नहीं, वैसे चटनी के लिए कोकोनट अभी भी मेरे पास नहीं है, तो मुझे सडनली फिर याद आया मेरे पास घर में है। आई टेल यू व्हाट, कहाँ है मोलगा पुड़ी। इजी इजंट इट, जब घर में चटनी ना हो तब बस मोलगा पुड़ी लो, उसके अंदर या तो घी डालो या तो सेसमे ऑयल डालो, जैसे भी आपको खाना है खाओ। तो मैंने बस निकाल के रख दिया बाहर,
इसे मैं फ्रिज में ही रखती हूँ बिकॉज हम ये बहुत रेगुलरली नहीं खाते, जब डोसा इडली बनता है तभी खाते हैं, तो थोड़ा सा ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, गरम गरम डोसा मलका पूरी एंड ब्रेकफास्ट इज डन, कॉफी बना दूंगी, वाटरमेलन तो है ही। ओके सो तैयारी हो गई है, थोड़ा सा मेरे पास ना अभी मैंने कास्ट आयरन का तवा ले लिया है, बस तेल लगाया है, थोड़ा सा पानी। आई एम सो एक्साइटेड, वाओ तवा बहुत गर्म है। बस इसे फैलाते जाइए, फैलाने वक्त ही दिख रहा है आपको कितने अच्छे इसमें पोर्स आ रहे हैं। गैस को थोड़ा सा मैंने हाई रखा है, ये पहला डोसा है ना तो इसके लिए थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, बाय द टाइम आई रीच सेकेंड थर्ड तब एकदम बढ़िया बन जाता है। तो फ्लेम जो है वो थोड़ी सी हाई, और मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास है देसी घी, ये मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही बनाया, एकदम फ्रेश देसी घी, साइड से छोड़ना है स्पेशली साइड से ताकि ये साइड्स छूट जाए। वैसे निकल गया है एक साइड से तो चिपक गया है, वो मैं निकाल देती हूँ, पहला डोसा है तो ये तो होगा ही, नाइस एंड क्रिस्प निकाल लेती हूँ। इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा सॉफ्टिश है, मतलब शायद इसमें हमने पोहा डाला इसकी वजह से आ रहा होगा, पर वाटरमेलन का टेस्ट उड़ गया पर अच्छा लग रहा है डोसा, इट्स टेस्टिंग डिफरेंट देन द रेगुलर डोसा, आई थिंक यू कैन गिव इट अ ट्राई, इट्स नॉट वेरी बैड, मैंने भी पहली बार ही बनाया था, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था इसमें, मैं सोचा था कि शायद एकदम वाटरमेलन का फ्रेशनेस आएगा, बट इट्स नॉट ऑल दैट बैड, आई थिंक इट इज़ अ सॉफ्टनेस जो वाटरमेलन के राइंस ऐड कर रहे हैं इसमें, ओवरऑल इट सीम्स टू बी अ गुड कॉम्बिनेशन, ये देखिए कितना क्रिस्पी है। कुछ तो गड़बड़ करी आप मुझे प्लीज बताइए, बिकॉज ये तो मैं पहली बार कर रही हूँ, और अगर ऐसी कोई रेसिपी जो आप चाहते हो कि मैं आपके लिए बनाऊँ तो वो भी शेयर कीजिए प्लीज, आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक इट फॉर यू। सो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, अभी लंच की तैयारी इसके बाद करूंगी, तब तक आप भी कुछ बनाइए और हमें बताइए।